तहसील में विधायक अब्दुल के सत्तार साहब ने आज जो दर्ज किया है के संदर्भ में आज की जो यहाँ पर जो रैली है और यहाँ का जो फॉर्म दर्ज कर जो गांव गांव से जो पब्लिक आई थी, इतनी सारी पब्लिक आई है कि आज के जो रैली देखी गई आज तक औरंगाबाद जिले में ऐसी कई रैली नहीं देखी, इसका वजह क्या है, क्या बता? उसकी वजह एक ही है कि गरीब आदमी को न्याय और इंसाफ देना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सारी योजनाएं गरीबों तक पहुंचना, वहां कोई जात पात धर्म पंथ गरीब श्रीमंत ये बात कभी नहीं किया। कार्यकर्ता बोल के जो मेरी काम की शुरुआत हुई 1983 में मैं ग्राम पंचायत सदस्य बना, सरपंच बना, 93 के अंदर मैं नगर सेवक बना, नगर अध्यक्ष बना, 2001 में MLC बना और MLC बनने के बाद MLA बना, MLA बनने के बाद राज्य मंत्री बना, कैबिनेट मंत्री बना, लेकिन ये सारे पद आने के बाद में भी सत्ता की गुर्मी और चर्बी ये कभी मैं मेरे शरीर में सिरने नहीं दिया। सारे लोगों को, सारे समाज के लोगों को एकता अखंडता और जाति सुरक्षा अच्छा कैसा रहेगा, सारे जात के सारे कौम के सारे धर्म के लोगों को न्याय कैसा मिलेगा, ये काम करने की वजह से कल हमने 25 तारीख को लोगों को विनती करने का हमारे आपस में तय हुआ कि अपन इससे पहले हमने कभी ऐसा पब्लिक बुला के फॉर्म नहीं भरते थे, लेकिन लोगों ने बताया कि आप सारे लोगों की इच्छा है कि इस बहाने से कार्यकर्ताओं का आपसे मिलन हो जाएगा और एक दिन का आपकी चर्चा होगी और इसलिए हमने 26 तारीख के दिन सब लोगों को आह्वान किए, पेपर में जाहिरात दिए कि आप सब लोग फॉर्म भरने के लिए आइए, कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद उनकी मदद उनकी दुआएं मिलना चाहिए, इस नाते से बुलाए और इतने बड़े पैमाने पर लोग जो हमारे सिल्लौर में आज जमा हुए, मैं जब से राजकारण करता हूँ तब से अभी तक इतनी बड़ी रैली, इतने लोगों के जज्बात, इतने नौजवानों के साथियों ने सारी घोषणाएँ और तिरंगा खाने पे लेके और तिरंगे टोपी सर में डाल के जिस तरह से जज्बा, जिस तरह से उन्होंने जुल्लोस के संगात, जितनी शक्ति के संगात, जितनी ताकत के संगात कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इस नाते से मुझे मदद करने का काम किया है, मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि चुनाव में जो लोगों ने अच्छे दिन का वादा किए थे वो कोई अच्छे दिन का वादा करना अलग है और अच्छे दिन लाना अलग है। हमारी कांग्रेस की सरकार ने, लोक सेवा आघाड़ी की सरकार ने इतने काम किए उसकी हम मार्केटिंग कर नहीं सके, उसकी हम मालूमात लोगों तक पहुंचा नहीं सके। ये मेरा चुनाव क्षेत्र ऐसा है कि इसमें हज़ारों लोगों को न्याय मिला, हर गांव को काम मिला, हर समाज के लोगों को निधि मिला, हर समाज के लोगों की प्रगति उन्नति और विकास करने के लिए मैंने मक्का प्रक्रिया का जो कारखाना यहाँ लाया हूँ महाराष्ट्र का पहला 70 करोड़ रुपये का, 746 करोड़ रुपये की जो चार पदरी रास्ता औरंगाबाद से लेके तो फरदापुर तक जो जागतिक लेनिया है उसके लिए दुनिया से जो पर्यटक आते हैं उनका हज़ारों लोगों को अपनी जान अपना मृत्यु सामने दिखता था, वो लोगों का ये सारी भावनाएँ सरकार के पास रखी और वो चार पदरी रास्ते का भी काम शुरू हुआ। खड़गपुरा जैसा हमारा धरन जो बना चिखली और जाफराबाद के बीच में, वहाँ से पानी सिल्लौड़ के लिए ला के 250 करोड़ रुपए की योजना पहले टप्पे के अंदर 100 करोड़ रुपए मंजूर हुए, उस पाइपलाइन का भूमि पूजन हुआ, उसका काम चालू हुआ और वो आने के बाद गोकर्धन और सिल्लौड के अंदर एक बड़ी औद्योगिक वसाहत बनेगी, एक नया इंडस्ट्रीज एरिया आएगा, बेरोजगार के हाथ को काम मिलेगा। हमारे पास 26 ऑटोमेटिक चिलिंग है जिससे जो हमारा किसान सबसे अच्छी मक्का पिकाता है उससे अच्छी कपास का पीक लेने वाला किसान हमारे गांव में है और उसके भी न्याय और इंसाफ देने का काम मैंने और मेरे सब साथियों ने पार्टी के तौर पे 5 साल उनका सालदार बोल के जो मैंने काम किया। मेरे पहले भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ था, वो सिर्फ जात के नाम पे, समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करते थे और लोगों का वोट लेते थे, लेकिन जब लोगों को समझने लगा कि जात का नाम धर्म का नाम उनके मकसद के लिए उनके फायदे के लिए लेते हैं तो लोगों ने गए बारी को मुझे 1 लाख बिखरे भी वोट से चुन के लाया। मेरे समाज के जब 35,000 वोट है यहाँ और मुझे 1 लाख वोट जब देते हैं लोग तो उनकी प्यार उनका मोहब्बत सारे धर्म के सारे जात के लोगों का हर चीज़ से, जो नौजवान होगा यहाँ का बुजुर्ग होगा यहाँ की महिला होंगी या कोई भी समाज की कोई भी जात की होंगी मुझे मदद करने का काम करते हैं और मेरे एक आवाज़ के ऊपर हज़ारों लोग जम जाते हैं। हमारा शहर में आज ऐसा लग रहा था कि दिवाली या ईद है कि फॉर्म भरने का इतने ढोल इतने ताशे इतने बैंड गली गलियों में से कोई नगारे बजाता है कोई डपड़े बजाता है कोई बैंड लगाता है कोई ढोल बजाते बजाते यानी इतना मोहब्बत इतना प्यार कि जिस शहर में मैंने एक ज़माने में हाथगाड़ी लूटा उस शहर के अंदर मैं आज स्टार प्रचारक है, मुझे लेने के लिए यहाँ हेलीकॉप्टर आता है, औरंगाबाद में प्लेन आता है और मैं उसमें सब भी घूमता रहा तो मेरी उस वक्त की गरीबी और आज का मेरा गरीब भाई उसको मैं कभी भूलता नहीं, उसके साथ देने के लिए मैं 18 घंटे काम करता हूँ।
18 घंटे काम करने के बाद में उसका विश्वास, उन लोगों का भरोसा, उनका सामाजिक धार्मिक साधु संत होंगे, मौलाना होंगे या यहाँ के भद्दे जी होंगे, सारे समाज के धर्मगुरुओं के सगात विश्वास से चर्चा करता हूँ। उनके समाज के लोगों को कितना फायदा दे सकता हूँ, कितना न्याय दे सकता हूँ। आज समझो एक सभापति पद है तो सोईवा का ओबीसी समाज को दिया गया, वहाँ हमारी ओबीसी समाज के भाई ओपन में ओबीसी समाज को मैंने वहाँ सभापति बनाने का काम किया। औरंगाबाद जिला परिषद का जिला परिषद अध्यक्ष जिसको राज्य मंत्री का दर्जा है वो हमारे मरणा भाई को बनाने का काम किया। उसके तहत जितने जितने मेरे कार्यकर्ता है, जितने मेरे दोस्त है, आभा काले है, उनको मुंबई मार्केटिंग फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट बनाया। सारी चीज़ें करने के पीछे का मकसद यही है कि सारी जात के, सारी कौम के, सारे समाज के लोगों को न्याय और अगर इंसाफ दिए तो चुनावी पीरियड में ये जब वक्त आता है तो लोग अपनी जान को जान देने वाले, दोस्त भाईचारे के सगात मेरे खाने को खाना लगा के काम करने वाले इतने हिंदू भाई है कि उनका उपकार मैंने कितना भी काम किया तो उन लोगों का उपकार मैं भूल नहीं सकता हूँ। मेरा विजय, मेरा निवडणूक का निकाल क्या लगने वाला है ये मुझे अच्छी तरह मालूम है, लेकिन मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह वोट मांगने के लिए गांव गांव में जाता हूँ, वाड़ी पे जाता हूँ, बस्ती पे जाता हूँ, टांडे पे जाता हूँ और 10-10, 20-20 जो खेत में रहते वाले किसान उनके भी घर को जाता हूँ। और उनसे हट के भी अगर बोला गया, बड़े समाज के, बड़ी जात के, बड़ी कौम के लोगों के साथ तो सब जाते हैं, लेकिन भसन जो के होंगे, खास पार्टी होंगे, वर्डर होंगे, वो भी समाज के भाइयों को न्याय देने का, उनको भी इंसाफ देने का काम करता हूँ ताकि समाज में एक भाईचारा निर्माण हो। सर्वधर्म समभाव जो मेरी पार्टी है उसका इस्तेमाल सही होना चाहिए, वो संदेश लोगों तक पहुँचाने का काम मैं कर रहा हूँ, उसके प्रत्येक लोग मुझे इतने बड़े पैमाने पर साथ देते हैं। आज मुझे यकीनन खुशी है कि मैं अचानक ये प्रोग्राम बुलाने की वजह ये थी कि 24 घंटे में लोग जमा होते या नहीं, अपनों को चाहत है कि नहीं, कि अच्छे दिन की गुमराह में लोग चले गए, वो चेक करने के लिए जब बुलाए तो आज जिन लोगों की सत्ता है उनके 12 घर के 12 हो गए, एक तीसरा मिला के 3-13 हो गए। मैं अकेला हूँ, लोग मेरे साथ हैं, एक अकेले ने काम की शुरुआत किया, कारोबार बढ़ते गया, आज लाखों लोगों का साथ मेरे साथ है, लाखों लोगों का आशीर्वाद है, लाखों लोगों की दुआएं हैं, लाखों लोगों की मदद है। नौजवान होंगे, बुजुर्ग होंगे, किसान होंगे, दलित होंगे, पीड़ित होंगे, आदिवासी होंगे, हर समाज का आदमी मुझे चाहता है, हर समाज का आदमी मुझे मदद करता है, हर समाज का आदमी मुझे न्याय और इंसाफ देने का काम कर रहा है। इसके लिए मैं उनका एक दोस्त, उनका एक साथी, उनका एक भाई के नाते से आपके टीवी चैनल के माध्यम से उन सब तमाम भाइयों को शुभेच्छा देना चाहता हूँ कि मैं आपका सेवक, आपका सालदार, फिर से मुझे 5 साल चुनिए, 5 साल आपकी सेवा करने का मुझे मौका दीजिए, यही बोलने के लिए आज मैंने लोगों को बुलाया। और इतने बड़ी तादाद में जो महिला किसी प्रोग्राम में, कोई नेता के भाषण में इतनी महिलाएं नहीं रहती है, हमने कोई औरंगाबाद से नेता या मुंबई से नेता या कोई दिल्ली से नेता नहीं बुलाया, वहीं कार्यकर्ता, वहीं नेता, वहीं वक्ता। और नाना साहब एक हमारे दोस्त, बाबा साहब काले होंगे एक सोईगांव के, हमारी भाई आगेताएँ होंगी, दूसरी हमारी बहन रेखाताई जगताब होंगी, ये सारी हमारी महिलाएँ जो हमारी लोकल की रहने वाली है और लोकल के लोगों के लिए इतना प्यार और मोहब्बत जब रहती है तो उनके उपकार, विकास के माध्यम से, तरक्की के माध्यम से, कार्यकर्ता के नाते से मेरा आगे की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। जब 19 तारीख को रिजल्ट आएगा, 19 को फैसला आएगा और वो फैसला मेरे हित में आएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मैं फिर से एक बार आप सब लोगों का, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं का, हमारे तमाम नेताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे उन्होंने फिर से एक बार 5 साल हमारे ये मतदार संघ की सेवा करने के लिए मुझे मेरी पार्टी ने, सूर्या जी ने टिकट दिया, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब, माजी मुख्यमंत्री अशोक राव जी चौहान, मानिकराव जी ठाकरे, इन सब भाइयों ने जो मेरे ऊपर विश्वास दिलाया, जो मुझे विश्वास दिया, वो विश्वास को मैं आने वाले 5 साल तक हमारी पार्टी का सिंबल, पार्टी का पंजा निशान गांव गांव तक महाराष्ट्र भर फैलाने का काम जरूर करूंगा। यही आज के कार्यक्रम की ये जादू की कांडी है, ये जादू ऐसी है कि ये लोगों के बीच में जाने के लिए, लोगों को संदेश देने के लिए ये एक मौका है। काम करो लोग साथ हैं, काम नहीं करें तो भारतीय जनता पार्टी के क्या हाल हो गए हमारे पास आप देखो, तो बोलते हैं ना इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, यही बात।